साथियों डिफेंस कोचिंग पटना दून फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों अभी आपको पता होगा कि पूरे भारत में भारतीय वायुसेना की रैली चल रही है, इसी दौरान बिहार में भी भारतीय वायुसेना की रैली आ चुकी है। साथियों मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी तैयार होंगे। बिहार में रैली भर्ती आने का मतलब है बहुत ही खुश नसीब हो आप, क्योंकि एयरफोर्स की रैली भर्ती बहुत कम बंदों को देखने के लिए मिलता है और ये उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। फ्रेशर बंदे अचानक से रैली भर्ती में जाएंगे और वहां पे ऑफलाइन एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। साथियों जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया है इसके पहले, भारतीय वायुसेना का जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दे चुका है उनके लिए भी कारगर साबित होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होता है और इसमें क्वेश्चन का लेवल डाउन होता है। और आपको बता दूं कि आपका जो भी साइको जीडी और रिटर्न होना है वो बिल्कुल एक दिन में कंप्लीट होगा और पूरे अक्टूबर के महीने में आपका मेडिकल भी ले लिया जाएगा, यानी कि एक महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो साथियों आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी तैयार होंगे भारतीय वायुसेना की रैली के लिए, और बिल्कुल हमारे डिफेंस कोचिंग परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। साथियों अब मैं बताऊंगा कि इस बिहार की रैली भर्ती में क्या क्या होने वाला है, कैसे भर्ती होगी, एज कितना चाहिए, पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। साथियों सबसे पहले ये जो बिहार में रैली आई है ये ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए आई है, यानी कि टेक्निकल भर्ती होने वाली है। आप सभी अपने दिमाग से निकाल दो, वाई ग्रुप वाले इस भर्ती में नहीं जा सकते हैं, ओनली ग्रुप एक्स वाले ही इस फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने की तारीख है 27 तारीख, ध्यान से सुनना, 27 तारीख सुबह 11 बजे से लेकर 28 तारीख शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो भर्ती होगी वो 9 तारीख यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक भर्ती चलेगी। और साथियों मैं आपको बता दूं ये एयरफोर्स की रैली भर्ती पूरे भारत में क्यों चल रही है। तो साथियों आपको याद होगा आज से 7 से 8 महीने पहले एयरफोर्स की ऑनलाइन की फॉर्म आई थी, आपने भरा भी था लेकिन कोविड की वजह से एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, तो जवानों को जल्द से जल्द भर्ती करने के लिए अब रैली भर्ती ली जा रही है। साथियों मैदान में उतरने के लिए तैयार रहो क्योंकि ये बहुत ही आसान भर्ती होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं जो बिहार में रैली भर्ती होनी है वो बिहटा में होनी है, यानी 10 SC बिहटा, 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में होना है। साथियों आप सभी कैसे जाओगे अब मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जो बिहार के बंदे होंगे, जो बिहार का आवासीय जिनके पास होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो बिहार में नेपाली रहते होंगे और बिहार का आवासीय होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं बिहार के किसी भी जिले में, चाहे वो और भी किसी स्टेट के हों लेकिन बिहार के किसी भी जिले में एयरफोर्स के अंदर में काम कर रहे हो, या वो सिविलियन हो या एयरफोर्स के आदमी हो, उनके बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हो। साथियों जो बच्चे 12th साइंस के साथ पास किए हो और उनका 50% अंक आया हो वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, और साथियों जिनका 3 ईयर का डिप्लोमा होगा वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एग्जाम ऑनलाइन के जैसा ही 70 क्वेश्चन का होता है और 60 मिनट टाइम दिया जाता है, यानी कि आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज यह है कि इसमें सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा। साथियों आप ध्यान से सुने, फ्रेशर बंदे के लिए बहुत अच्छी बात है कि फिजिकल पहले लिया जाएगा। यदि फिजिकल पहले लिया जाएगा तो आधा से ज्यादा बच्चा पहले ही बाहर हो जाएगा और रिटर्न में बहुत ही कम बंदे पहुंच पाएंगे। रिटर्न साइको के लिए बहुत ही कम बच्चे पहुंच पाएंगे, क्योंकि फिजिकल में कुछ बंदे आउट होंगे, फिर रिटर्न में कुछ बंदे आउट होंगे, उसके बाद साइको में फर्स्ट होता है और सेकंड जीडी और एसआरटी होती है, तो उसमें बहुत सारे बंदे छट जाएंगे, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और साथियों मैं इसकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, यदि आप 1 क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स दिया जाएगा, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि आप उसमें निगेटिव मार्किंग पाओगे। निगेटिव मार्किंग भी एयरफोर्स के रैली में है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, यदि आप ध्यान नहीं रखते हो तो आप एग्जाम में फेल कर सकते हो। और साथियों
कोई भी बंदे ड्रग वगैरह नशे का सामान नशे का सेवन करके भर्ती में नहीं जाएंगे। और जब भर्ती में आप जाओगे तो ध्यान से सुनो, अपना डोमिसाइल बिहार स्टेट का डोमिसाइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको 10SC बिल्टा डोमिसाइल को ले जाना होगा। वहां पे सेंटर पे आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा तभी आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। और साथियों अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मेडिकल कैसा होगा इसका। तो हर साल जो मेडिकल होता है, जैसे सारे बंदे आर्मी नेवी एयरफोर्स में मेडिकल देते हैं, पूरी बॉडी चेकअप होती है। लेकिन कुछ बंदों को डाउट होता है टैटूज पे, टैटू कहां से लेंगे, टैटू कैसा फिट होता है, टैटू कैसा अनफिट होता है। तो आप इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले टैटू जो होगा वो फोर आर्म, ये जो है इतने दूर तक, और इनर हैंड, ये जो है ना इनर हैंड, ये इनर हैंड है, इसमें टैटू यदि होता है, बड़ा टैटू होगा तो आप अनफिट हो जाओगे, बड़ा टैटू होगा तो आप छट जाओगे, और यदि छोटा टैटू होगा तो आप फिट हो जाओगे। साथियों ध्यान से सुनना, छोटा टैटू यानी कि ओम माँ लिखा फिट हो जाता है, साक्षी आई लव यू कुछ भी लिखा रहेगा, दुर्गा माँ का बड़ा सा फोटो, सब कुछ अनफिट होता है, इस चीज का ध्यान रखें साथियों। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो भर्ती होनी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से होना है, एक दिन में आपका रिटेन और साइको जीडी वगैरह सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो मेडिकल होगी उसका डेट आपको दिया जाएगा, डेट आपको मिलेगा। और साथियों जो बंदे फॉर्म भरेंगे, जो बंदे फॉर्म भरेंगे वो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी वो फॉर्म भरेंगे तो आपका यदि 45% आया है, मान लो कि यदि 45.4% आया है तो आप राउंड में करके 46 नहीं लिख दोगे, 45 ही लिखोगे। यदि 46 लिखते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें शॉर्टलिस्ट का सिस्टम है। यदि इसमें 90% वाले बंदे 1000 पहुंच जाते हैं तो 80% वाले को नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि जिसका जितना ज्यादा मार्क्स होगा वही लड़का इस एग्जाम को दे सकता है। तो आप प्रॉब्लम समझ रहे होंगे कि आप राउंड फिगर वाले को नहीं लिखोगे, क्योंकि यदि आपका 80% है और 81 से उठाया गया है, आपका 80.4% है और आपने 81 कर दिया तो आपको भी उठा लिया जाएगा, लेकिन आपका ओरिजिनली में 81% तो मार्क्स है नहीं, तो आप भर्ती को नहीं अटेंड कर पाओगे, वहां से आपको भगा दिया जाएगा। और साथियों मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी मैदान में उतरने के लिए और मैदान को जीतने के लिए तैयार होंगे साथियों। और मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूं ताकि आप में जोश भरे। साथियों उन दो आंखों के आगे, उन दो आंखों के आगे समंदर भी हारा होगा, उन दो आंखों के आगे समंदर भी हारा होगा जब मेहंदी वाली हाथों ने मंगलसूत्र उतारा होगा। मैं ये शायरी उन भाइयों के लिए बोला हूं जो आज हमारे लिए शहीद हो चुके हैं। साथियों आप अपना जोश दिखाओ और भारतीय वायुसेना की रैली को क्वालिफाई करो। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।